प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। कि हवा भी गंदा कर दिया, पानी भी गंदा कर दिया। केंद्र सरकार के मंत्री लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। जिया जल युद्ध, और हमने यहां पर ऐसे ही नहीं लिखा है, क्योंकि दिल्ली NCR की जनता जहरीली हवा के बाद में अब साफ सुथरे पानी के लिए तरस रही है। आज दरअसल दिल्ली के अंदर जिस किस्म का दंगल शुरू हुआ है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई कि आखिर 20 राज्यों में सबसे साफ सुथरा पानी कहां का है। महाराष्ट्र मुंबई नंबर 1 पे आया, मगर देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा गंदा और प्रदूषित पानी अगर कहीं पर इन 20 शहरों में है तो वो देश की राजधानी दिल्ली है। जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट आनी थी, और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रहार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर शुरू हो गया। आपने सामने दोनों पार्टियां आ गई कि पहले साफ हवा नहीं दे सकी सरकार, और अब पानी भी आम जनता को जहरीला पीने पर मजबूर कर रही है केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल ने कहा कि आपने जो रिपोर्ट तैयार कराई है, जो टेस्टिंग कराई है, दरअसल वही गलत है, उसी पर सवाल खड़े कर दिए, और नए सिरे से WHO के मानकों पर दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए एक चेतावनी दे दी। मगर ये जो स्थिति बनती और बिगड़ती हुई दिख रही है पार्लियामेंट के अंदर भी, इस मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज अपनी एक रिपोर्ट दी है। असल में सच है क्या? क्या वाकई दिल्ली का पानी इतना ज्यादा गंदा है कि पीने के काबिल नहीं? क्योंकि केजरीवाल सरकार के मुताबिक 95% जो टेस्ट किया गया, उनके हिसाब से जल बोर्ड ने जो टेस्ट किया उसमें 95% मानकों पर खरा उतरा है, यानी कि पानी साफ सुथरा और स्वच्छ है। तो फिर क्या कोई झूठ बोल रहा है, या अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सियासी रोटी और राजनीति कर रहे हैं सियासी रोटी सेकने के साथ साथ? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा में शामिल होने के लिए, मगर उनकी तरफ चलें, उनका तारुफ आपसे कराएं। आइए निगाह डालते हैं कि आज के अहम सवाल है क्या, जिसके इर्द गिर्द हम आपको चर्चा की तरफ ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति क्या है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, मनोज तिवारी ने कैसे सवाल उठाए, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कैसे हुआ, और इस पर आम जनता क्या कुछ कह रही है, आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली's water quality is better than European standards. प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। जहरीली हवा के बाद अब स्वच्छ पानी के लिए दिल्ली में दंगल शुरू हो चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी सबसे खराब निकला। रिपोर्ट आने के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली की 400 जगहों पर हल्ला बोल किया। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बयानों के तीर चलाए कि हवा भी गंदा कर दिया, पानी भी गंदा कर दिया, यहाँ का पूरा माहौल गंदा कर दिया दिल्ली का। ऐसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को जवाब दो कि हवा भी गंदा, पानी भी गंदा, दिल्ली कैसे जिए। मनोज तिवारी के हमले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। केजरीवाल ने पानी को जहरीला बताने वाली उस रिपोर्ट को राजनीति का एक नया हथियार करार दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो पानी अच्छा है उसके बारे में इस तरह से केंद्र सरकार के मंत्री लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से आज सुबह हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने, विपक्ष के सामने हम लोग सैंपल उठाएंगे और उस सैंपल की जांच कराएंगे, और वो जांच करके रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहरीले पानी पर लोगों की फिक्र तो किसी ने नहीं की, लेकिन राजनीति करने वाले खूब नजर आए। जरा एक नज़र केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई उस रिपोर्ट पर भी डालते हैं जिसमें दिल्ली के पानी को जहरीला बताया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 20 राज्यों में कई शहरों के पानी की जांच की। जांच के लिए दिल्ली की 11 जगहों से सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इनमें कृषि मंत्रालय, बुराड़ी, सोनिया विहार और रामविलास पासवान का घर भी शामिल है। दिल्ली का पानी 19 मापदंडों पर पूरी तरीके से फेल पाया गया। पानी में TDS,
पीएच, एल्युमिनियम, नाइट्रेट, डिटर्जेंट के अलावा एक ऑयल जैसे बैक्टीरिया भी मिले। रिपोर्ट का दावा है कि दिल्ली के नालों में पानी की शक्ल जहर निकल रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल अपने दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट लेकर के आ गए। दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट जो दावा करती है कि दिल्ली का पानी पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के पानी को लेकर रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक लिए गए सैंपल्स पर आधारित है। रिपोर्ट के लिए दिल्ली से 545 सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इनमें से 518 सैंपल्स पास और 27 सैंपल फेल हुए, यानी करीब 4.9% सैंपल फेल हुए। WHO के स्टैंडर्ड से 5% तक फेल होने पर भी खतरा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को साथ में चलकर पानी की जांच कराने का चैलेंज किया है, तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान इस चैलेंज को मानने के लिए तैयार हैं। बीजेपी अपना मोर्चा खोल रही है। इन सब के बीच सवाल सता रहा है कि आम लोग जो जहर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उनकी फिक्र किसको है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो विडंबना देखिए कि साहब, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे विकास के कार्यों के बखान और सरकारें क्या क्या अपनी पीठें नहीं थपथपाती है, मगर विडंबना यह है कि साफ हवा हमें सांस लेने के लिए मैसर नहीं, साफ पानी हमें पीने के लिए मैसर नहीं, जो कि सबसे ज्यादा बुनियादी और अहम जरूरत यह है। आइए सवाल की तरफ रुख करते हैं कि आज सवाल क्या उठ रहे हैं। केंद्र की तरफ से जिस सूची को जारी किया गया, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पलटवार किया गया है, क्या है वो सवाल जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे ले जाएं। क्या प्रदूषण के बहाने राजनीति की जा रही है? जाहिर तौर पर सियासत तो हो ही रही है, मगर इस सियासत के पीछे की वजह क्या है? सियासत के बजाय सेहत के बारे में सरकारें कब सोचेंगे? साथ ही साथ में 14 शहरों में पानी प्रदूषित, तो सिर्फ दिल्ली पर सवाल क्यों? क्योंकि ऐसे भी शहर हैं जहां पर, ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, तो फिर दिल्ली को ही केंद्र में ला करके अगर केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर क्या दिल्ली को महज इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और यहां पर अरविंद केजरीवाल से सीधे सीधे सियासी ताने बाने का सवाल जुड़ता है। कई खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्हें आप अक्सर देखते हैं हमारे साथ में, जो बताएंगे क्या इसके पीछे महज सियासत है या वाकई फिक्रमंद हैं सरकार में बैठे हुए लोग के साफ सुथरी हवा के साथ साथ पानी मिलना चाहिए। पंकज कुमार जी हमारे साथ में, जिन्हें आप अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, संयोजक हैं जल संरक्षण अभियान के, जो कि बताएंगे कि किस तौर पर पानी की जरूरत है, सरकार कैसे उसको बचाने, संरक्षण करने और जनता तक पहुंचाने के साथ साथ साफ सुथरा पानी रहे हमारे पास में, उसके लिए सरकार कितनी कोशिश करती है सही तौर पर। साथ में हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर खतीब साहब है, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, कि आखिर ऐसा जहरीला पानी पीने के बाद में किस किस्म की बीमारियां होती हैं और इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है? जो जहरीला पानी इंसान पी रहा है मजबूर है, आखिर सरकारें कितनी दोषी हैं और कैसे सेहत के साथ खिलवाड़ सरकारें सीधे तौर पर कर रही हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। प्रेम कुमार जी, जिनको आप अक्सर टीवी डिबेट्स में देखते हैं, अपनी बड़ी मुखर राय रखते हैं, चाहे सत्ता के पक्ष में हो या सत्ता के खिलाफ में हो, इसीलिए मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत पंकज कुमार जी आपके बजाय मैं प्रेम कुमार जी की तरफ से आ रहा हूं, क्योंकि सियासत जो दिल्ली में शुरू हुई है, सड़क से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने सड़क पर हाथ में पानी का बोतल उठा करके और पार्लियामेंट में एनडीए में शामिल रामविलास पासवान के केंद्रीय मंत्री ने जो कहा कि साहब दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल सिर्फ जहर परोस रहे हैं, क्या यह वाकई एक सियासत है या वाकई सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर स्टेट की हो संजीदा है लोगों की सेहत को लेकर के? आज ये हंगामा जो सड़कों पर दिख रहा है, कैसे इसको समझे? देखिए, मेरा मानना है कि जब पूरी दुनिया में पीने के पानी के रैंकिंग के ख्याल से भारत की रैंकिंग 122 में 120वें पर है जी, तो क्या मुंबई, क्या दिल्ली, आप फ़र्क कर सकते हैं वो बेहतर वो कम बेहतर? तो आप अंधों में काना राजा खोज रहे होते हैं कि चलिए जब पूरे अंधे ही हैं तो उसमें जो काना है वो हमारा राजा है। तो सवाल यह है कि पूरे देश में जब पीने का पानी गंदा है और पूरी दुनिया के जो स्तर पर स्टैंडर्ड हैं
उसमें हम 122 में 120वें नंबर पर है, तो इसका मतलब है कि स्थिति बेहद गंभीर है। और यह स्थिति एक दिन में तो आई नहीं है, यह स्थिति शुरुआत से चली आ रही है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है सांकेतिक तौर पर, लोग इस पर अपनी बातें रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो इशू अभी पैदा हुआ है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री आकर के ये रिपोर्ट जारी करते हैं, और जो टाइमिंग है, दिल्ली का चुनाव आने वाला है, राजनीतिक गहमागहमी है, और उसमें जो खास तौर पर तीन प्रमुख शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उसका राजनीतिक लिहाज से ये है कि वो नॉन बीजेपी स्टेट की राजधानियां हैं, तो उस वजह से इसीलिए उनको टारगेट पर ज्यादा लिया जा रहा है। सुनील कौशिक जी, सिर्फ टारगेट पे ले लेने से या दूसरी पार्टियों के सरकारों को, जहां पर जिस राज्य में नॉन बीजेपी या नॉन एनडीए की सरकार है, उनको टारगेट कर लेने से क्या बीजेपी का मकसद पूरा हो जाएगा? या यह मकसद होना चाहिए कि साहब जनता तक स्वच्छ साफ सुथरा पानी पहुंचे, उसके लिए किस किस्म की कोशिशें होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार? बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, और इस तरीके से ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ना ये बिल्कुल जनता के साथ बेईमानी है। आप पिछले 5 साल से राजनीतिक दौर से जो केंद्र की सत्ता में हैं और दोबारा कार्यकाल आपको मिला, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो परिस्थितियां पहले से पैदा हुई या स्थितियों से पिछली सरकारें नहीं निपट पाईं, तो आपकी सरकार ने कितना काम किया। दूसरी बात, चुनाव के ऐन वक्त पर आप आकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और जल प्रदूषण जल बोर्ड आपका बातों का खंडन कर रहा है, तो ये दिख रहा है कि बिल्कुल निश्चित तौर से आप राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, ये स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई, ये बरसों से ऐसी स्थिति चलती आई है। और आप ये कहें कि कांग्रेस बहुसत्ता में रही है बहुत दिनों से और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उस जिम्मेदारी से आप भी तो नहीं बच सकते। आपने पिछले 5 साल से किया क्या? आपने जल बोर्ड अलग से बना दिया, जल मंत्रालय आपने अलग से बना दिया। अब रामविलास पासवान ये कह रहे हैं कि साहब BIS के मानकों पर हमने ये टेस्ट किया है, दिल्ली का पानी पूरे तौर पर गंदा है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जल बोर्ड ने WHO के मानकों पर और BIS के मानकों पर जो टेस्ट करवाया उसमें 95% पानी स्वच्छ पाया गया। बिल्कुल, जनता को कंफ्यूजन, जनता को इतनी बड़ी जो कंफ्यूजन है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? नहीं, ये जनता निर्णय करेगी, और जनता के सामने जब आंकड़े हैं कि 527 सैंपल जब लिए गए उसमें से 518 पास हुए हैं, केवल 27 फेल हैं, और ये WHO भी कहता है कि 5% सैंपल फेल होते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं होती है। ये राजनीति तो हो रही है और ये जनता देख रही है, और इसीलिए मैं आज वो रिपोर्ट निकाल करके लाया जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वजीराबाद, हैदरपुर, भागीरथ, ग्रेटर कैलाश, ओखला, नागलोई, द्वारका, बवाना, इन तमाम जगहों पर 545 जगहों पर टेस्ट किया गया, 518 सेटिस्फैक्ट्री मिले हैं, 27 सिर्फ ऐसे सैंपल हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो यानी कि 95% से ज्यादा पानी साफ है, स्वच्छ है, ठीक है। तो फिर केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, क्या उस पर सवाल उठ रहे हैं? क्या वो ठीक नहीं है? कोई ना कोई तो गलत है ना यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। जो प्रेम जी ने बताया कि 122 में से 120वीं रैंकिंग आपकी इंटरनेशनल लेवल पे है, ये सरकार की आंखें नहीं खोलती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की तुलना कर रहे हो। आप छोड़िए, आप अपने अंदर देश की बात कर रहे हैं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो आप तुलना कीजिए। तो अधिकतर आप यही ठीकरा फोड़ेंगे कि अब तक कांग्रेस की सरकारें रही और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, लेकिन ये भी तो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड आपको देना होगा कि आपने पिछले 5 साल में इन समस्याओं को लेकर के किया क्या है और उसका नतीजा क्या है। और ऐसे में संजय गुप्ता जी, आप 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल तो अब आए हैं, क्या उन 15 सालों में पानी साफ सुथरा था? और अगर इस बीच में 5 वर्षों से पानी ज्यादा प्रदूषित हो रहा था, तो क्या अभी तक इंतजार कर रहे थे कि साहब ऐसा कोई इश्यू उठे उसके बाद में उस पर राजनीतिक रोटियां जरा सेकी जाए? बाकी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, शीला दीक्षित जी की सरकार रही, आपको याद होगा कि गंगा का पानी भी दिल्ली के अंदर लाया गया, सोनिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रांस यमुना के अंदर वजीराबाद के अंदर बनाया गया, और जगह जगह पे SGPs लगाए गए, जगह जगह के ऊपर बोरवेल्स किए गए, दिल्ली के अंदर साफ पानी उपलब्ध कराने के अंदर बहुत बड़ा कार्य है कांग्रेस की सरकारों ने किया। ठीक है, लेकिन जो चीजें की गई क्या वो काफी थी? बात बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, वो तो बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक चीजें थी सर। कैसा लगता है, मगर इन लोगों ने पानी फ्री कर दिया,
इन्होंने बिजली फ्री कर दी, गलत कर दिया, और इस फ्री बात के अंदर जनता को हित, इस फ्री बात के अंदर वादा पहुंचाया जाए तो गलत हो गया। दिया हवा के अंदर, उसका ध्यान नहीं किया और जहर घोल दिया यहाँ के पीने के पानी में। और यहाँ का जो गरीब बच्चा है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अस्वस्थ लोग हैं, जिनको बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने इस दिल्ली को जहर बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूं तो आप किस रिपोर्ट के साथ में, संजय गुप्ता जी बता दे, संजय गुप्ता जी आज किस रिपोर्ट के साथ में, केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट आई है या अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई है? दोनों रिपोर्ट बिल्कुल एक दूसरे से उलट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो आज स्तर है, मैं आपके सीधी सीधी बात करता हूँ, रिपोर्ट को भी छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, वो दल सिंह मेरे साथ चले और टैप वाटर सीधा पानी मैं गिलास भर के दूंगा, वो पी ले, ठीक है, मान लेंगे दिल्ली का पानी साफ है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, पूरी दिल्ली के अंदर सवाल यही तो आकर रख के अटक जाता है कि चैलेंजिंग का दौर शुरू हो जाता है। आज अरविंद केजरीवाल ने रामविलास पासवान को चैलेंज किया, संजय गुप्ता यहाँ बैठ करके सचिन भल्ला को, ठीक है, ठीक, आज क्या हालात इस दिल्ली के? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सचिन भल्ला जी, झूठ कौन परोस रहा है, अरविंद केजरीवाल या रामविलास पासवान? देखिए, रामविलास पासवान जी से बिहार तो संभलता नहीं, और दिल्ली को कैसे क्या आ गया ये पोल्यूशन, ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर देश के लिए है। मेरी बात एक मिनट सर, इसी में केंद्रीय मंत्री और भी हैं जो जल मंत्री हैं, उन्होंने एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट दी कि जी दिल्ली का पानी स्विट्जरलैंड से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये आपस में एक दूसरे से ट्यूनिंग करके आए कि किसने बदनाम करना है, किसने बढ़ाना है। और मैं इन मेरे भाई बड़ी तेज तेज बोल रहे थे, ये हर जगह फेलियर तो होते आ रहे हैं और आगे इतनी तेज तेज बोल के आम आदमी पार्टी के और गुणगान गा रहे हैं, ये बताइए। एक मिनट, एक मिनट, आपने क्या ये कह रहा हूँ, सोची समझी साजिश के तहत केजरीवाल की सरकार से बदनाम किया जा रहा है भैया। आप राजस्थान के अंदर आधा परसेंट, शर्म तो आपको आती नहीं है? मेरी बात तो शर्म तो आपको आती नहीं है? दिल्ली और किस तरीके से एनसीडी में, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर साफ करने वाली आम आदमी पार्टी है, क्या कर रहे हैं एनसीडी के अंदर? एक भी सीट क्या कर रहे हैं? एक भी सीट आप बताइए, ये घबराए पड़े हैं, इतना पूरे हरे लगाए ऐसे चैलेंज में बताइए, ये बोले नहीं बचे आप, एक बताइए, मैं तो चैलेंज देता हूँ, कितनी बचे लाए देता हूँ, एक कितनी बचे लाए, पानी गलत दिखाए, कितनी बचे लाए, ये अंदर से फेलियर हो रहा है ना। और अब जाकर फ्लावर बनाए आपने, शिवसेना से आपने फ्लावर कितने बनाए, नहीं ये जो स्थिति अभी इस R9 के स्टूडियो में ये जो स्थिति दिख रही है, दरअसल यही सड़कों पर दिख रही है, दरअसल यही पार्लियामेंट के अंदर दिख रही है। सर सर सर, आप दोनों लोग जाहिर तौर पर ये जो स्थिति दिख रही है, मगर संजय गुप्ता जी किस रिपोर्ट के आप साथ में, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आप साथ में है, तो क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है वो बिल्कुल गलत है, खारिज कर रहे हैं आप उस रिपोर्ट को? दिल्ली जल बोर्ड को तो खारिज कर रहे हैं, सरकार संचालित करती है, खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ, बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक है, मैं पंकज कुमार जी की तरफ आना चाहूंगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। मगर पंकज कुमार जी जो कि जल संरक्षण अभियान के संयोजक हैं, सर लंबा तजुर्बा, लंबा अनुभव, आप लंबे वर्षों से काम करते हुए इस पर आ रहे, पानी एक ऐसी समस्या जिस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, बुनियादी जरूरत है, सरकारों को तो हर शख्स तक साफ सुथरा स्वच्छ पानी बहुत पहले पहुंचा देना चाहिए था, मगर आज 2019 में आकर के अगर इस पर हम चर्चा करें तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि आज इंसान जहरीली हवा से जूझ रहा है, जहरीले पानी से जूझ रहा, यह जो दिल्ली में सबसे गंदा पानी, प्रदूषित पानी है, इसकी रिपोर्ट जो आई है, सरकार कहां मिस कर जाती है चीजों को कि ऐसी रिपोर्ट आनी पड़ती है, रिपोर्ट सही है गलत है उससे परे हट करके, क्या सरकारें पानी के साफ सुथरा रखने और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए वैसा स्टेप उठाने में कामयाब हुई है जिस किस्म से आप लोग मांग उठाते रहे या उसके आसपास तक पहुंची है? वाकई वक्त बहुत बदल गया है। आज से कुछ वर्ष पहले पानी की दिक्कतों के लिए या तो जनता या किसान सड़कों पर होते थे, और अब देख रहा हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ सड़कों पे आई हुई हैं या आपके न्यूज़ रूम में, तो इससे ये तो ज़रूर पता चलता है कि अब जो आम जीवन की समस्या है वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के राजनीतिक माहौल में एक दूसरे पर दोष लगाते हुए और अपनी समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो सुलझेगी नहीं। हाँ,
अगर इसी लड़ाई के बीच अगर कुछ ज़्यादा वक्त और गुजर जाए तो हालात सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पीने के पानी के संकट या प्रदूषित पानी के होने की जितनी जानकारी सरकार को मिलनी चाहिए वो सारे तरह की जानकारियां सरकार के पास हैं, मगर ऐसी ही लड़ाइयों में अगर और भी वक्त गुजरा तो शायद यही पार्टियां किसी को मुंह दिखाने के पास में सारी जानकारियां हैं। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, मांगे भिजवा रहे हैं, सरकारें उस पर कितना स्टेप उठा रही हैं, सरकारें उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही हैं, सरकारें उसको लेकर के जमीनी स्तर पर लागू करने में नाकाम कहां पर हो रही है, कोशिश हो रही है या कोशिश ही नहीं हो रही है। मैं आपको दो मुख्य बात बताता हूं। पहली बात यह है कि हमारे देश के पूरे देश की जो जल संकट है उसको सिर्फ तीन तरह की मुख्य रूप से दिक्कतें हैं या तीन तरह के उसके प्रॉब्लम हैं। एक है उसका प्रॉब्लम प्रदूषण का, दूसरा प्रॉब्लम है उसका खनन का, और तीसरा प्रॉब्लम है इसके अतिक्रमण का। तमाम जल स्रोतों को से लेकर के नदियों तक में यही तीन प्रॉब्लमों से जूझ रहा है। जहां तक सवाल उठता है प्रदूषण का, प्रदूषण में भी सिर्फ तीन तरह के प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नालियों के गंदे पानी जो उसके अंदर जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो, और कुछ हद तक किसानों के द्वारा जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होता है उससे ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन होता है। हमारे पास में समस्या कहाँ है, कौन कौन से तरह की समस्या है, लंबे अरसों से हम लोग लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ट्रीटेड या अनट्रीटेड वाटर किसी भी तरीके से नदी में या जल स्रोतों में ना गिराए जाए, मगर अभी तक इस पर कोई भी कानून ना बन पाया है, ना ही कोई इस पर कोई बड़ा काम हुआ है। सरकारें केंद्र की हो या राज्य की हो, हमेशा दावा कहती हैं कि मैंने फलाने नाले को बंद कर दिया। लापरवाही है, जानबूझ के नहीं करती हैं या उनकी प्राथमिकता में नहीं होता है, क्योंकि जनता आमतौर पर पानी की समस्या को लेकर के इतना हंगामा करती नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि साहब सिर्फ वोट बैंक से इफेक्ट नहीं करने जा रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ लापरवाही कही जा सकती है। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में पूछा कि पानी का यहाँ का स्थिति क्या है, मैं बताता हूँ पूरे देश के जो भी ग्राउंड वाटर हैं उसमें से उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों को छोड़कर और जो निचले हिस्से में आते हैं उसमें कुछ पहाड़ी इलाके या पठारी इलाकों को छोड़कर के बाकी सभी जगहों के ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन काफ़ी हाई है। और उन मैदानी इलाकों में चाहे वो पंजाब का हो या बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, अधिकांश जगहों पर आर्सेनिक पाए जा रहे हैं। और आर्सेनिक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर ग्राउंड वाटर में जाती है तो उसको करीबन करीबन 900 से 1000 वर्ष लगते हैं ना उसको वापस जो अपने अपने पुनर्स्थिति में आने में। मैं डॉक्टर खतीब की तरफ जाऊं कि इसके नुकसान क्या हैं और किस तरीके से सेहत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे। जल्दी से ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि इन चीजों को लेकर के क्या कोई पहल की नहीं गई राजनीतिक पार्टियों के जरिए, या फिर इसको उनके प्राइम एजेंडे में कभी रखा ही नहीं गया उन पार्टियों के जरिए सरकारों के प्राइम एजेंडा में, या फिर इन चीजों को लेकर के अभी हम एशिया के अंदर या भारत जैसे देश के अंदर इन समस्याओं को बड़ी समस्या मानते ही नहीं है, हमारी मानसिकता ही वैसी नहीं हुई कि साहब हम रोटी कपड़ा मकान में इतने ज्यादा बिजी हैं, इतने ज्यादा जूझ रहे हैं कि साहब ये तो सेकेंडरी इशू है। पंकज जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, देखिए ऐसा है कि जब तक सरकारें ठीक है, मगर हमारे साथ में डॉक्टर खतीब जुड़े, जरा सा उनसे समझ लेते हैं कि ये जो स्थिति बनती हुई दिख रही है या है, यूं कहें कि वर्षों से ये स्थिति है, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर खतीब कि हम जहरीला पानी पी रहे हैं, जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, और सरकारें ये कह रही कि साहब हम आपको सब कुछ मुहैया करा रहे, इससे किस किस्म के खतरे हैं, किस किस्म की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती है हमारे शरीर के अंदर जो कि इमीडिएट पता नहीं चलती है, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद में जाकर के वो सामने आती है और उसके बाद में तब बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे अहम बात है, जरूरी बात जो है, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि पानी की जो समस्या है प्रदूषण को लेकर इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। इस पे जो ये राजनीति मैं देख रहा हूँ, डिबेट हो रही, राजनीति हो रही है, तो ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वाकई अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पानी से जनित बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने बताया। डॉक्टर खतीब, मेरा सवाल इसीलिए कि आम जनता को जब अस्पताल में जब वो जाते हैं और उनको वो ये पता लगता है कि उनको इस किस्म की बड़ी बीमारी हो चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह पानी का साफ ना होना रहा है, तब जाकर के उन्हें लगता है कि पानी भी एक बड़ी समस्या है, साफ पानी ना मिल पाना,
किस किस्म की बीमारियां होती ताकि इंसान सरकारों की उदासीनता के बीच में खुद को सतर्क रखे। पानी से बहुत तरह की बीमारियां हैं, अगर साफ पानी नहीं मुहैया है इंसान को तो, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, अमीबियासिस है, और अगर ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया है हैवी मेटल से, आर्सेनिक मर्करी पॉइजनिंग हो जाती है, इस तरह से पानी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बीमारी। प्लस अगर कुछ पानी से रिलेटेड वैसी भी बीमारी है, जैसे कि अगर पानी में कोई कीटाणु पनप रहा है, मसलन डेंगू है, ये भी कीटाणु से ही रिलेटेड, पानी से रिलेटेड है, लेकिन पानी के इम्प्योरिफिकेशन से नहीं है, पानी की। जाहिर तौर पर हवा और पानी दो बुनियादी इंसान की जरूरत है, सबसे पहली जरूरत जो इंसान को होती है, और ऐसे में अगर यही दोनों चीजें हैं इंसान को जहर की शक्ल में मिलने लग जाए तो फिर क्या हो। मगर दिनेश सिंह जी, आप थोड़ा लेट से जुड़े हमारे साथ में, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन सवाल यह है कि ये सियासत पानी को लेकर के आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी सड़कों पर या फिर पार्लियामेंट के अंदर क्यों दिख रहा है, इसके लिए संजीदगी क्यों नहीं दिखती? जब्बार जी, आज मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर R9 टीवी जो है डिबेट करा रहा है, बाकी तो तू तू मैं ज़्यादा होती है। एक बेसिक सवाल है, और कहा भी गया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उसमें दोनों बार पानी की बात है, एक तो इस पानी की बात जिस पानी की पीने की बात करें, और दूसरी पानी और इज्जत की बात भी है। दिक्कत कहाँ है कि लोग बड़े बड़े कामों को गिनाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि नहीं फ्री में पानी और फ्री में बिजली हम देंगे, लेकिन जो जो पानी आप दे रहे हैं, पानी का आप पैसा भी लीजिए तो कम से कम ऐसी पानी दीजिए कि कम से कम उसको पीकर इंसान अपनी क्षुधा को तृप्त करने के साथ साथ कम से कम किसी बीमारी। मगर सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल तो डिनाई कर रहे हैं कि साहब ये जो रिपोर्ट आपने पेश की है, रिपोर्ट दरअसल फर्जी है। असल से सबसे बड़ी रिपोर्ट दरअसल वो सही है जो WHO और BIS के मानकों पर खरी उतरती है, जो जल बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें 95% पानी शुद्ध और साफ पाया गया। असल में दिक्कत क्या है, हम कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, अगर आप समस्या को मानेंगे तभी आप समाधान की तरफ जाएंगे, जब आप समस्या को मानेंगे ही नहीं तो समाधान कहां ले जाएंगे। इसी तरह से प्रदूषण को लेकर बात चल रही थी ना, पराली 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 चिल्ला रहे हैं, जहां पराली है, जहां पराली जल रही है वहां कितना फॉग है, वहां कितना प्रदूषण है। आपको जो करना चाहिए आप करेंगे नहीं, और आपको जो नहीं करना चाहिए वही आप नाटक करेंगे। कितने सीरियस इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमको पता नहीं होता कि पानी की वजह से हम कौन कौन से बीमारी। वो ये कह रहे हैं कि साहब एक तो फर्जी रिपोर्ट लेकर के आए आप लोग, दूसरा बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर भी यही स्थिति है बहुत सारे, वहां का तो जिक्र बीजेपी कर ही नहीं रही। बिल्कुल आप करिए, हमारी सरकार, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव आ रहा है इसलिए दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चुनाव तो हमेशा जब बारजी कहीं ना कहीं लगा होता है, लेकिन हमारी वो पहली सरकार है जो एक नए मंत्रालय का गठन इसीलिए किया, उसका नाम उन्होंने रखा है जल शक्ति मंत्रालय, और मंत्रालय यही काम कर रहा है कि कैसे लोगों को स्वच्छ पानी दें और कैसे नल से जल तक पानी पहुंचाएं, उसकी व्यवस्था ठीक है, ठीक है। एक बड़ा कदम केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है जल शक्ति मंत्रालय को, मगर उस मंत्रालय के जरिए अब तक जो काम किए गए उसका असर कितना दिखा और कितने काम उससे हुए। लेकिन सवाल यह कि रिपोर्ट किसकी सही है, अरविंद केजरीवाल जो जल बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 95% पानी WHO के मानकों पर, BIS के मानकों पर खरा और सही उतरता है वो, या फिर रामविलास पासवान ने, केंद्रीय मंत्री ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को किस आधार पर कैसे देखा जाए, क्योंकि जब तक यही तय नहीं होगा कि असल में हकीकत है क्या। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है, मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, लेकिन अब कितना बदलाव आया, यह जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसको उत्पन्न होने से पहले ही इन तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश कितनी की गई सरकारों की तरफ से। जल शक्ति मंत्रालय का आप जिक्र कर रहे थे दिनेश सिंह जी, जाहिर तौर पर एक अच्छा कदम, बड़ा कदम उसे माना जा सकता है कि पानी के प्रति केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा संजीदगी दिखा रही थी, मगर क्या वाकई वो संजीदगी जमीनी स्तर पर दिखी, क्या वाकई उस संजीदगी के जरिए से जनता तक, दिल्ली की जनता तक जो कि देश की राजधानी है, साफ सुथरा पानी पहुंच रहा है? नहीं जब्बार जी, हमें कहां कहने के पहुंच गया, हम अभी तो शुरू किए हैं, हमारी सरकार पहले आई तो 5-7 दशकों के बाद। जब्बार जी, इस बात के लिए मुझे लगता है आप सरकार को बधाई देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पीठ थपथपाने की, पहली बार कोई प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर कहे कि नहीं अब हमारे गांव के या बस्ती के या कॉलोनी के कच्ची या पक्की बस्ती के लोग अब खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे, उनके लिए शौचालय बनेगा। क्या इस देश में कोई और नहीं सोच सकता था?
पहली बार लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, और घोषणा नहीं की, जब उन्होंने घोषणा किया तो उसको इंप्लीमेंट करने के कह रही है कि साहब सांकेतिक तौर पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं और ये सारी स्कीमें तो पहले से थी, कमोबेश थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम उसका नहीं क्या था पहले होता था, हम ये कहां कहने जब्बार जी पहले होता क्या था, किस मालिक घोषणा ही करते हैं और इन्होंने जितने भी ओके अरे यार बीच में तो मैंने बोला ही नहीं हमको लगता है, अच्छा सुन लीजिए घोषणा चाहे लाल किले पे करते हैं या पीले किले से करते हैं, घोषणा करके चुप करके बैठ जाते हैं। जब्बार जी हो गया या पूछना है और कुछ पूछना है, बस हो गया, जवाब दिनेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। दिनेश जी मैं बोलता नहीं तो मैं सोचता हूं कि कम से कम मैं बात ये कर रहा था घोषणा कर पहले भी होता था मैंने कहा ना, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या खोजती थी, लोहिया गांव में विकास होगा, बस बहुजन समाजवादी पार्टी आती थी क्या कहती थी, नहीं अंबेडकर गांव में शौचालय बनेगा, हमारी सरकार ने क्या जाति धर्म पंथ और मजहब नाम के देखकर उन्होंने शौचालय बनवाया, क्या हमारे हमारी सरकार ने आवास जो बनाया किसी जाति धर्म और पंथ मजहब को देखकर बनाया, जो भी लोग हैं हमने कहा एक तरफ से सबको शौचालय मिलेगा, कोई खुले में शौच नहीं जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, जो मां बाप को कहना चाहिए कि नहीं शौच के पहले बाद आप हाथ धुलिए और खाना खाने के पहले आप धन, मगर नो सिंगल यूज प्लास्टिक पानी पर, पानी नो पर, सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब पानी से जुड़े हैं सर। अब ये जो पटना में हुआ, जो पटना में बाढ़ आई थी किस लिए आई थी, वो भी तो पानी का मसला था, वो पीने का नहीं हो सकता है, बाढ़ का हो सकता है, किस सरकार है, हम अपने ऊपर आई की बात क्या हो रही जब्बार जी, हम तो यहाँ कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार तो उस नतीजे से है, जिस नतीजे की जवाबदेही और वादा करके पार्टियां सरकारों में आती हैं। तो भाई पार्टी जब सरकार में वादा करके आती है, अगर वादा पूरा नहीं करती तो जनता उनको सत्ता से हटा भी देती है, लेकिन हमने जो कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा, सिर्फ हमने कहा नहीं उसको हमने करके दिखाया, इसीलिए हम बार बार आ रहे हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं हम बार बार आ रहे हैं, ठीक है दोनों। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया कि साहब आप आइए फिर से लेबोरेटरी की तरफ रुख करते हैं जो WHO के और BIS के मानकों पर खरा उतरती है, फिर से इसका टेस्ट कराया जाना चाहिए। जब्बार जी असल में दिक्कत क्या है ना, इस देश में अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई साइंटिस्ट है ही नहीं है, उनके पार्टी के लोग मशीन लेके गए थे ना, ईवीएम मशीन लेके गए थे विधानसभा में, उसको दिखा रहे थे और बाहर जब दिखाने के लिए कहा गया तो दिखाया ही नहीं। आज भी अगर उनको पानी की शुद्धता का मानक मापना पड़ेगा ना तो WHO को फेल कर देंगे, WHO को फेल कर देंगे, तो सबसे बड़े गणतंत्र, सबसे बड़े साइंटिस्ट आम आदमी पार्टी। अरे लाल किले पे आप बोलिए, तभी बात सुनिए, ये इनको अंदर से डर लग गया कि दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, ये तो इनको दिल से और इनको ये बता भी रहे हैं। मैं एक ही बात पूछूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन साहब, दिनेश जी वो कौन है, वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, बिल्कुल वो सच बोलते हैं, बोलते हैं जल संसाधन मंत्री हैं, वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं हमारे यहाँ सब सच बोलते हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। ये मैं अपने आपके कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, दिखाइए, स्विट्जरलैंड से ऊपर दिल्ली का पानी है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया को, और एक मंत्री जो इनके दूसरे कृषि में उत्पादन में ध्यान रखते हैं वो आगे पानी चेक करने आ रहे हैं दिल्ली में, इनके पास और कोई काम धंधा है ही नहीं, पानी चेक करें तो बिहार से, और 200-300 बच्चा मर गया। जब अब इन्होंने बाढ़ की बात करी, वहां पे जो चमकी बुखार आया, एक दवाई देने के लिए इनके पास बंदा नहीं था, डॉक्टर नहीं था, और दिल्ली से मदद मांग रहे थे, और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने उनकी मदद करी कि वो हर धर्म को, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में ऑपरेशन आप बंद करा रहे हैं, सिर्फ लाल किले पर खड़े होते हैं, आपको लाल किले पर खड़े होते हैं, बोलते हैं दिल्ली में हॉस्पिटल है ना, आप आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो लेंगे नारायण अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा था ना, आप ऑपरेशन बंद करा रहे हैं, हां कि ना, आप यहां पर आप जवाब दीजिए और आप आयुष्मान भारत योजना आपने दिल्ली में लागू की, आयुष्मान भारत योजना आपने दिल्ली में लागू की, बताइए मैं अपना जाके, अरे चिल्लाइए मैं सचिन जी, मगर 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 सचिन मगर मगर दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, ये जिस रिपोर्ट का, एक सेकंड सचिन भल्ला जी, ये जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड सर, केंद्रीय आप जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई कि दिल्ली का पानी स्विट्जरलैंड के पानी से भी साफ सुथरा स्वच्छ है,
सचिन भल्ला जी, एक सेकंड, मुझे दूसरे लोगों की तरफ भी जाना है। दिनेश जी जल्दी से, जल्दी जब बात जी, असल में दिक्कत क्या है कि समस्या यहाँ ये बात की नहीं है, समस्या है कि आपको समस्या ही है। आपने ये बोलिए, आपको बीजेपी सरकार के अच्छे काम पता है दिल्ली में? अरे सर, उस बिंदु पर जवाब तो लेने दीजिए। सचिन भल्ला जी, सचिन भल्ला जी जवाब तो लेने दीजिए सर। हद हो गई जी, मैं ये कह रहा हूँ आपका सवाल है, दिल्ली के एक एक जन को पता है पानी कैसा हो गया। आप अपने यूपी में तो आपसे पानी हुआ नहीं ठीक, दिल्ली का सर जवाब देने दीजिए ना, एक सेकंड और कुछ जल्दी से सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप बड़ा किंतु जनता के लिए बहुत कर रहे हैं ना। मैं तो एक चीज करेंगे सर, करेंगे और करते रहेंगे, हो गया। आगे भी 67 सीटें हमारी जा रही हैं। सचिन भल्ला जी हो गया, लेते हैं मुझे दूसरे लोगों की तरफ जाना है। दोनों सचिन जी हो गया डिबेट, एक अगर ऐसे डिबेट करना कि मैं आपसे तेज बोल सकता हूं, बीच बोल सकता हूं। दिनेश जी जल्दी से, दिनेश जी क्या स्थिति है आपकी? महाराज दिनेश जी, बाकी लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है दिनेश जी। दिक्कत यही है, आम आदमी पार्टी का जो नेचर जो चरित्र दिखा रहे हैं, यही रायता फैलाना है, काम नहीं करना। सरकार ने कहा है स्मार्ट भारत योजना, आप दिल्ली में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जरा बताइए ना, हम कह रहे हैं बताइए ना क्या हुआ सर। अरे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है ना, बताइए ना, बात आइए ना। शिक्षा, हम कह रहे हैं लोग माना है जल शक्ति मंत्रालय, क्यों जरा बताइए ना। वर्ल्ड की बताइए, देख रही है जल शक्ति मंत्रालय, स्थिति आप बताइए ना। सरकार की अजीब स्थिति आपकी सराहना की है, हम बताएंगे मिले सर। जल शक्ति मंत्री ने तो जवाब देंगे ना। गजेंद्र शेखावत जी ने, एक सेकंड सचिन भल्ला जी, एक सेकंड, झूठा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, झूठ बोलता है, ठीक है, एक सेकंड, दिनेश सिंह जी झूठ बोलता है, वोट नहीं दे, एक सेकंड सचिन भल्ला जी, दिनेश सिंह जी, वो उस बिंदु को जनता कैसे समझे कि एक तरफ गजेंद्र शेखावत कहते हैं कि साहब स्विट्जरलैंड की पाली से भी ऊपर है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, तब तो दोनों नेता से सलाह सर सुन तो लीजिए ना सर, सर सुन लीजिए दिनेश जी, क्या यही है ना, दिल्ली का पानी स्विट्जरलैंड से अच्छा है। अब आगे सुनिए ना, इतने मत पकड़ लीजिए, लेकिन जब वो सप्लाई होके घरे में पहुंचता है तो नाले का पानी पहुंचता है, रास्ते में आप नाले का पानी, क्योंकि आप इससे पूछिए, एक सेकंड, संजय गुप्ता जी आपकी तरफ में आऊं, ठीक है, एक सेकंड, लेकिन उससे पहले पंकज कुमार जी, दिल्ली का पानी स्विट्जरलैंड के पानी से कहीं बेहतर है, लेकिन जब सप्लाई होता है उस पानी का, तो उसके बाद में प्रदूषित इतना हो जाता है कि 20 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। पानी अच्छा है, घर तक पहुंचते ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सेकंड सर पंकज जी, मैं इतने शोरगुल में आपकी आवाज नहीं सुन पाया, क्या आपका सवाल है? कृपया, सवाल ये है कि दो बातें यहां कही गई कि गजेंद्र शेखावत जी ने, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि दिल्ली का पानी स्विट्जरलैंड के पानी से भी अच्छा है, और इस पर दिनेश सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब पानी बहुत अच्छा है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार उसे घरों तक पहुंचाती है तो बीच में पानी प्रदूषित हो जाता है। देखिए ऐसा है कि मुझे किसी प्रवक्ता या किसी सरकार के, नहीं, मैं तकनीकी तौर पर समझना चाह रहा हूं, क्या वो पानी जब पहुंचते इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाता है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास को लें तो हरिद्वार से नीचे की तरफ, हरिद्वार से अगर हम नीचे उतरते हैं ना, तो उसे कुछ ही दूर मेरठ के आसपास से आते आते तक आपके दिल्ली तक में यहाँ का ग्राउंड वाटर जो है ना, वो उस तरीके से नहीं है जिसमें कि आप सीधा पानी निकालें और पी लें, ठीक है। इसलिए मैं इस राजनीति में या इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ कि किसी ने स्विट्जरलैंड से तुलना की या किसी ने अमेरिका से। कभी कोई सरकार आती है तो कहती है कि इसको क्वेटो बना देंगे, कभी कोई कहता है इसको जापान बना देंगे, है ना, जनता वहीं की वहीं खड़ी है। मैंने इसलिए तभी आपसे कहा ना कि कल तक इन पानी के मसलों पर सड़कों पर किसान और हम लोग सड़कों पर आते थे, आज नेता लोग ही सड़क पर हैं। तो आप लोगों ने जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि ऐसा होना चाहिए पानी का संरक्षण या उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारों की या साफ सुथरा रखने की, क्या उस तरीके से सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके आसपास दिखती है आपको? देखिए सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्य की हों, जब तक वो एक बात को नहीं मानेंगी कि कोई भी जो इस तरह के प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो किसी एक सरकार की जागीर नहीं होती है, वो प्रकृति हमेशा साझा होती है, ठीक है। इसमें समाज और सरकार, चाहे वो किसी की भी हो और कहीं की भी हो, उसको मिलकर साथ काम करना होता है। आप जितनी मर्जी कानून कोऑर्डिनेशन तो नहीं बना ले, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा है। जब दो सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है तो वो समाज से क्या बनाएगी? मगर एक चेतावनी मैं जरूर देना चाहता हूँ
कि पिछले 3-4 वर्षों के रिकॉर्ड को अगर देखें तो हर छोटे बड़े शहरों में, देश के अन्य भागों में या बहुत सारे भागों में पानी को लेकर आपसी संबंध बिगड़े हैं और झगड़े हुए हैं। अगर ये सरकारें अब ना चेतीं तो शायद हमारे हिंदुस्तान के अधिकांश कोर्ट में ऐसे ही फौजदारी के मसले होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होंगे। ठीक है संजय गुप्ता जी, जाहिर तौर पर आज तो आपको सूट कर रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाया जाए, क्योंकि मुकाबला आप दोनों का अरविंद केजरीवाल की सरकार या फिर आम आदमी पार्टी से दिल्ली में। क्या ये मान लिया जाए कि सब कुछ इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी के साथ आप भी खड़े हैं? ये बड़ा अजीब इत्तफाक है, एक स्टेज पर आकर के कांग्रेस और बीजेपी तो एक हो जाती है। देखिए दबार भाई, आप दूसरे पत्रकारिता के चश्मे से देख रहे हैं। नहीं, मैं पत्रकारिता के चश्मे से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार या फिर आम आदमी पार्टी के लिए के सामने आप दोनों ही दिल्ली में हैं, आप ही लोगों का या आपका स्पेस तो कैप्चर किया है। एक मिनट में अपनी बात पूरी रख दूं सर, अगर आप इजाजत दें। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी संजीदगी के साथ जो पंकज जी कह रहे थे, उस बात को सोचने की आवश्यकता है कि किस तरफ हम लोग चल पड़े हैं और किस दिशा में हम चल रहे हैं, क्या क्या काम हमने कर लिए हैं और क्या करने की आवश्यकता थी। अभी मैं दिनेश जी को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने बातें बताई जी, मंत्रालयों के नए नाम बताए इन्होंने, बहुत बड़े बड़ा अपना विजन बताया इन्होंने। ये भी बताया कि पिछले 70 साल भूल जाते हैं कि 13.5 साल सरकार आपकी भी थी, अब भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिला, और मैं इस पर जाना नहीं चाहता, और केजरीवाल साहब की पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में सरकार रही है। मैं जिम्मेवारी से पूछना चाहता हूँ, 2 तरह का प्रदूषण, एक हवा का और एक पानी का। आज यहाँ जो बच्चे हैं या आने वाला जो भविष्य है दिल्ली का, वो क्या होगा, इसके ऊपर आपने संजीदगी से काम किया या नहीं किया, ये प्रश्न है। चाहे वो पानी कंटामिनेटेड होकर के पहुंच रहा है या किसी भी अवस्था के अंदर एंड यूजर को अगर कंटामिनेटेड वाटर मिलता है, दिल्ली 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 को आप बिंदु बनाते हैं, मगर जयपुर को आप भूल जाते हैं, राजस्थान को जहां पर आप ही की सरकार। सर एक मिनट पहले इसको जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, उसको पूरी कंप्लीट कर फिर जयपुर पे भी कह दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि यहां की जो सरकार है, खास तौर पे केजरीवाल साहब की जो बात कर रहे थे अभी, ये फर्जी रिपोर्ट, सच्चाई में तो ये एक मुख्यमंत्री ही फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि इन्होंने वादा किया था दिल्ली के अंदर लोकपाल लाएंगे, नहीं लाए। इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण मुक्त शहर दिया जाएगा, ये दे पाए क्या? और क्यों क्यों नहीं, क्या क्या इन्होंने नहीं किया? इन्होंने 1% भी अगर ग्रीन पैड दिल्ली का बढ़ाया, किसी और दिन करेंगे। शीला दीक्षित ने 300% बढ़ाया था। नहीं, बात है प्रदूषण पे बात कर रहा हूं मैं, और आप बात कीजिए जो जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, अरे फिर पूछ आप बीच में गरीबों से किए हैं चर्चा का विषय क्यों डाल देंगे आप? अरे आपने कुछ नहीं किया भाई, सचिन भल्ला जी फंसेंगे आप, पानी देखिए सचिन भल्ला जी फंसेंगे उसमें आप, ऐसे बिंदु को मत उठाइए जो आपके गले की फांस बन जाए। ठीक है, आपने फ्री बात, आप ही लोगों ने कहा था कि फ्री बात में फायदा होगी, मगर साफ नहीं किया है। दो चेहरे दो पहलू हैं, आप दिल्ली को चेहरे गले मिला सुनील कौशल जी, ठीक है, ठीक है, सुनिए ठीक है, अरे सुनो ये डिबेट का तरीका नहीं है जिस तरह से बोल रहे हैं आप। ठीक है, जो साफ हवा पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली है। ठीक है सर, तो सारी चीजें राजनीति के उस चाशनी में लिपटी हुई हैं जो जनता तक परोसने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। मगर सुनील कौशिक जी, अब ऐसी स्थिति में संजीदगी से अगर देखा जाए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत ही शर्मनाक है ये कि अगर आजादी के 72 वर्षों के बाद में हम अगर साफ सुथरे पानी और हवा के लिए हम डिबेट करें बैठ करके, जिसे अपने आप में हो जाना चाहिए था, ये क्या बहुत शर्मनाक नहीं है? क्या एक सरकार एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए, वो दूसरी पार्टी जिसकी सरकार है अपने आप को सेफ जोन में लेकर के जाए, मगर इस बीच में भी कोई कमेटी क्या गठित की गई, इस बीच में भी क्या कोई बड़ा कदम उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के आने के बाद? देखो जब्बार साहब, जनता भी इसकी दोषी है, मैं कहूंगा सरकार के साथ साथ तमाम ऐसे नियम बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो जब गंगा जल के शुद्ध की बात आती है तो तमाम फैक्ट्रियों का जल वहाँ जाके मिलता है, तमाम धाराएं ऐसी बनाई गई, कुछ लोग जेल भी भेजे, कुछ लोगों के ऊपर फाइन भी लगाया गया, लेकिन तस के नस वो लोग नहीं हुए।
जनता भी इसके लिए है। दूसरी बात, जब हम किसी मकान का नक्शा बनाते हैं, जनता को सही रखने की जिम्मेदारी प्रशासन, सरकार, पुलिस किसकी है? नहीं, बिल्कुल जनता को खुद होना पड़ेगा। ये थोड़ी सारी जिम्मेदारी सरकार की है, ये सारा को सरकार करेगी। आप बताइए, माहौल मिल रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब हम अगर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, हाँ, एक बदलाव जरूर आया कि आदमी खाना खाने के बाद रेड़ी पटरी से वो देखता है एक बार कि क्या डस्टबिन यहां पर है, उसमें डाली जाए, तो कहीं ना कहीं भले ही किसी कोई पार्टी कहे कि साहब इसका माइलेज लेने की कोशिश मोदी सरकार ने किया और सांकेतिक तौर पर, लेकिन एक माहौल तो देने की कोशिश की जानी चाहिए ना, कि पानी के लिए क्या माहौल दिया जा रहा है, बिल्कुल देनी चाहिए। और स्वच्छता अभियान जो केंद्र सरकार ने चलाया, ऐसा नहीं है घर घर में बच्चों में जिक्र होता है और जब हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो बच्चे ही हमको टोक देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब हम घर बनाते हैं 400 मीटर में 600 मीटर में, तो बाकायदा नक्शा पास के लिए कंडीशन होती है कि आप उसका जल स्रोत जो वर्षा का आएगा वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, किस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे, कितने लोग करते हैं, ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। तो सरकार के साथ साथ मैं खुद मानूंगा कि जनता की भी जिम्मेदारी है, जनता भी संजीदगी हो, जनता को अवेयर करने के लिए। प्रेम कुमार जी, जनता अगर अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है या होने के बावजूद लापरवाह है, तो फिर उनको सही दिशा में ले जाने के लिए सरकारों के संगठनों की जिम्मेदारियां जो हैं, क्या वो पूरी हो पा रही हैं? क्यों नहीं ऐसा अभियान चलाया जाता है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातों को या जनता का विश्वास जीतने के लिए गांव-गांव में लोगों को छोड़ देते हैं, मगर इन चीजों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, सही तरीके से एक एक, एक चीज जमीनी स्तर पर उतरे, उसके लिए प्रयास तो दिखते नहीं है। पानी की अगर बात करें, देखिए, मेरे ख्याल से जनता तो कतई दोषी नहीं है। हमारे देश की जनता किसी भी दुनिया के किसी भी देश की जनता के मुकाबले प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतर व्यवहार करती है। आप देखिए, हम मेट्रो में कितना अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जो सामान्य भोगी होती है ट्रेन की, वहाँ नहीं रख पाते हैं। तो ये जो फर्क है, जनता को दोष मत दीजिए। हम जब व्यवस्था बनाते हैं कूड़ा रखने की, कूड़ा फेंकने की, तो जनता उसका पालन करती है। मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है और उसके लिए जिम्मेदारी तो प्रशासन, सरकार, पुलिस ही की होगी। मैंने देखिए, जो जिस मुद्दे पर बात हो रही थी, मैंने शुरुआत में भी कहा था, उसको दोहराने की जरूरत समझते हुए, कि देखिए, जब पूरी दुनिया में हम पानी के प्रदूषण के मामले में 120 में 120वें नंबर पर हैं, तो क्या दिल्ली, क्या मुंबई, अरे मुंबई चलिए सबसे बढ़िया शहर हो गया, तो क्या वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के संभ्रांत वर्ग क्या पानी का डायरेक्ट पानी टैप नल से पी रहे हैं? क्या नहीं पी रहे? जिस दिन आपने टैप नल से डायरेक्ट पानी पीना छोड़ दिया, उसी दिन समझिए कि आपने मान लिया कि पानी पीने लायक नहीं है, तो समस्या तो उसी दिन गंभीर हो गई थी। तो ये पूरे देश की समस्या है, एक शहर दूसरे शहर की नहीं है। मगर इस समस्या के समाधान के लिए जाहिर तौर पर उदासीनता ही सिर्फ है। ऐसे में डॉक्टर खतीब जी, आप देहात के इलाकों में, गांव में अगर जाइए तो वहां भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सब लगे हुए हैं, चौराहों से पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। एक वक्त था कि हैंडपंप का साफ सुथरा स्वच्छ पानी लोग पी रहे थे, मगर वहां का भी पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है कि लोग उस पानी को पीना नहीं चाहते। ये विडंबना नहीं है? वहां भी बीमारियों के स्तर पानी के साफ ना होने की वजह से, आप जाते होंगे अलग अलग गांव में या शहरों में, आपको दिखता होगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, इस तरह की समस्या है। और अभी मैं आपको बता दूं, इस पे बात और चर्चा हो रही थी कि बहुत से लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं है। तो मैं यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में भी पिछले वर्ष एक वो स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि 90% लोग जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पानी गंदा है या उसको साफ करना चाहिए और उसको सफाई से रखना चाहिए, लेकिन खाली एक तिहाई लोग ही कोई वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं या किसी तरीके का कोई अपने घर में उसको उबालने का या उसका प्रयत्न करते हैं। मतलब जनता को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है साथ साथ में, और उनको इस तरह की साधन मुहैया हो जाए कि वो घर में वाटर प्यूरिफायर वगैरह लगा सकें आसानी से। यानी कि अब यानी कि जनता को अब अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो टैक्स जनता पे करती है, पैसे जो देती है सरकार को, उसके भरोसे अब ना रहे कि सरकारें उनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। यहाँ पर मैं आखिर में एक एक कमेंट आप सभी लोगों से लूंगा। अब ऐसे में स्थिति, संजय गुप्ता जी, अब क्या प्रदेश की जनता हो या फिर देश की जनता हो, किस किस्म के वादे करना चाहेंगे? जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे चुनाव है, आप उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, कैसी सरकार मिलेगी पानी के प्रति, उसकी संजीदगी कैसी होगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस संजीदगी के साथ दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने काम करके दिखाया 15 साल,
हम उसी संजीदगी के साथ यहाँ पे साफ हवा, साफ पानी, फ्री नहीं, साफ हवा। सर अगर उसी 15 वर्ष देने का प्रयास, पानी पर ध्यान दिया होगा तो शायद आज हम लोग बैठ के डिबेट नहीं करते। मैं स्वर्गीय हैं वो, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बहुत विकास किया उन्होंने दिल्ली का, बातें कही जाती है ठीक है, लेकिन पानी को लेकर संजीदगी क्या देखी है, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे ले सकते हैं? दिनेश सिंह जी देखिए, दो चीजें हैं कि ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि किसी ने कुछ नहीं, हर सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन जब सरकार अच्छा काम करे तो राज्यों की सरकारों को उसमें सहयोग करना चाहिए। मैंने एक निवेदन किया आम आदमी पार्टी के जो यहाँ समर्थक बैठे, मैंने कहा सरकार ने एक योजना चलाई आयुष्मान भारत की, क्या वो दिल्ली के लोगों के हित कर नहीं थी? आप लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल से इतना बड़ा हॉस्पिटल ऑपरेशन की सुविधा आप बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका अल्टरनेट आपके? और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि सरकारें प्रयास करती है, अभी बहुत सारा डिबेट आपने किया, सरकारों का भी काम है, सरकार के साथ साथ निश्चित तौर पर समाज का भी उत्तरदायित्व है। सरकार का तो है नहीं, कौन क्यों उत्तरदायित्व बता रहा है? हमारी सरकार बड़ी संजीदगी से पानी के बारे में, हम चाहते हैं कि जल, नल से जल हर घरों में पहुंचे और शुद्ध जल पहुंचे, उस दिशा में प्रयास करें और जल्द कामयाब होंगे। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में जो काम करती रही है, वो भी आने वाले और हमारे पूरे उसमें भी और आगे, हम ये तो इनको पता ही है कि जीतने जा रहे हैं 70 की 70 सीटें, लेकिन हमारा प्रॉमिस है कि वही काम हम आगे बढ़ाएंगे और जो इन्होंने 15 साल में लोगों को दिल्ली की सरकार का गला घोटा ठीक करेंगे। पंकज कुमार जी, आपकी सलाह क्या है सरकारों के लिए, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के लिए, क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ सीधे सीधे जनता के? आपने अपने प्रोग्राम को आंकड़ों से शुरू किया था, मैं आंकड़ों पर ही लाकर कहता हूँ, खत्म करना चाहूँगा कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो ना, हर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के लोगों का जल, प्रदूषित जल से उत्पन्न बीमारियों पे जो खर्च हो रहा है, आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का करीब करीब 1% से ज़्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है। ये सभी राज्य आपस में बांट लें कि उनके राज्य का कितना बड़ा धन जाया हो रहा है इस प्रदूषित जल से उत्पन्न बीमारियों को हल करने में। यही कहना चाहूंगा कि सरकारें और पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी न करें, राजनीति न करें, ईमानदारी से जनता के लिए, लोगों के लिए काम करें। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्या ये एक अच्छा है कि एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके जरिए और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, शायद अब इस पर संजीदगी से विचार हो? ये रिपोर्ट एक मौका जरूर है और इस दिशा में है कि हम पूरे देश में टैप वाटर पहुंचाने जा रहे हैं, एक योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं होती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन इसको भी आप रोक नहीं सकते। फिर भी हम इस बात से खुश हैं कि अब पानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम राजनीति कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। माफी के साथ डॉक्टर खतीब साहब आखिर में आपकी तरफ आ नहीं सका, दिनेश सिंह जी आपका, संजय गुप्ता जी आपका, सुनील कौशिक जी आपका, पंकज कुमार जी आपका, सचिन भल्ला जी, डॉक्टर खतीब साहब और प्रेम कुमार जी, आप लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से जनता तक। दरअसल ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है और हमारी भारतीय मानसिकता में जिसे हम आमतौर पर हवा और पानी पर उसकी गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और उस पर ये कि ठीक है देखा जाएगा, ये जो मानसिकता, इस मानसिकता से आम इंसानों को भी निकलने की जरूरत है ताकि जिन लोगों को चुन करके हम संसद या विधान भवन सभा भेजते हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर के हम उनसे सवाल पूछ सके, उन पर दबाव भी बना सके कि साहब हमने आपको चुना है, हमारे टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं, तो फिर हमें साफ सुथरा पानी और हवा तक मैसर क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए R9 टीवी। प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है कि हवा भी गंदा कर दिया, पानी भी गंदा कर दिया, केंद्र सरकार के मंत्री लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं।